नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड, मान लीजिए कोई भी कंट्री से रिलेटेड। मान लीजिए मैंने एक वीडियो आज से 4 दिन 5 दिन पहले ही डाला था कि भाई अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं जा पा रही है, तो मानसिक आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर वो गलत कदम उठाता है। ये मैंने मेरे तरीके से बात बताई थी, ये सच साबित हो गई 4 दिन बाद में। जी हाँ साथियों, एक नई अपडेट, नई जानकारी मेरे सामने आई है, आप लोगों के सामने शेयर करने का क्राइम रिपोर्ट इतना ही मकसद मेरा बनता है कि इसी परिस्थिति आ जाए तो कम से कम अपने को तो बचा लो, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप, बहुत सारी लोगों का आस होती है, आप कहीं ना कहीं उनके स्तंभ होते हो एक, कि आप हो तो वो हैं, आप नहीं है तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी कमाई पे वो जीवित हैं, आपके कमाई से उनका पोषण चलता है। अगर आप नहीं रहे तो आप उनका क्या होगा, अपने से ज्यादा उनकी सोचनी पड़ेगी। जी हाँ, मैं बता दूं, दुबई से एक बंदा बलविंदर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था, 10 सालों से दुबई में रह रहा था, कपड़े का व्यापारी था। लॉकडाउन के दौरान कैसे भी, मान लीजिए पुलिस ये मान के चली है कि उन्होंने फांसी इसलिए लगा ली कि उसको बिजनेस में नुकसान हो गया था। जी हाँ, दुबई से आया दिल्ली, एक 2-3 लोग और थे, अलग से उसने रूम ले लिया, पगड़ी लगा रखी थी, पगड़ी से उसने फांसी लगा ली। जी हाँ साथियों, अपनी ई लीला यानी अपना जीवन समाप्त कर लिया। 10 पेज का एक सुसाइड नोट भी उसने लिखा अपने परिवार वालों के नाम से, उन्होंने माफ़ी मांगी और ये बताया कि भाई मैं मेरी मर्जी से ये गलत कदम उठाया है, इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी की कोई भी गलती नहीं है। जी हाँ, पहाड़गंज जो दिल्ली में एरिया है, वहाँ पे होटल लाल हवेली होटल, वहाँ पे उन्होंने रूम ले लिया। सुबह शाम जब भी 1-2 दिन तक ऑर्डर अंदर से नहीं आया, जी हाँ अंदर, मान लीजिए सुबह से लेकर शाम तक ऑर्डर नहीं आया, तो वेटर को शक हुआ कि बंदा अंदर है, खाना बाहर से लाया नहीं, तो ऑर्डर क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने जाके देखा, चेक किया, तो पता चला कि लटक गया बंदा फांसी से। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस की मौजूदगी में गेट खोला तो पता लगा कि फिर सुसाइड नोट के आधार पे पुलिस ने ये माना कि ये बिजनेस करते थे दुबई में और इनको जरूर घाटा हुआ है। जी हां, नुकसान, भारी नुकसान होने की वजह से इन्होंने प्रेशर में आके, तनाव में आके अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो भाई आपको क्या लगता है, इससे समाधान हो गया? मुझे तो नहीं लगता भाई इनसे हाँ, मरने वाले वो अलग बात है कि वो मर गए, वो उनके कोई परेशान करने वाला, कर्जा मांगने वाला, परेशान करने वाला कोई नहीं लिए, लेकिन उनके परिवार के पीछे कितने सदस्य हैं उनको तो देखना पड़ेगा। उसके परिवार में बता दूं, एक उसकी वाइफ है, 3 उसके बच्चे हैं, 1 भाई है। जी हाँ, बलविंदर कितने साल का रहा होगा और उसके बच्चे कितने साल के रहे होंगे, आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं, क्योंकि ये फांसी वाला, ये जो गलत काम करने वाला, गलत कदम उठाने वाला, कम एज में लगभग 30 के आसपास के लगभग जो लोग होते हैं वो ज़्यादा उठाते हैं, 30 से 40 के एज के बीच में, क्योंकि उनकी जो दिमाग संतुलन ख़राब हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा आ जाता है, तो वो थोड़ा सहन शक्ति आ जाती है उसमें, इस जो अपनी जो उम्र है ना, इसमें खून गर्म होता है, नुकसान उठा जाता है, तो सोच बंद हो जाती है, और सोच बंद हो जाती है तो शैतान एक तरह से माइंड भी हावी हो जाता है और उसको मरने के लिए उकसाता है, फिर बंदा गलत कदम उठा लेता है। तो भाई अगर आप भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका कोई का जॉब जा रहा है कोरोना में, कोई का नौकरी जा रही है, कोई के कुछ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन क्या मुझे नहीं लगता इस तरह से कोई कदम उठाने से कोई समाधान हो पाएगा, तो इन चीज़ों से बचें। पड़ोसी अगर अवसाद में तो उसको भी बाहर निकालने की सोचें, अच्छे विचार लें, ताकि आप, ये टाइम एक बार निकल जाता है, एक जो खराब टाइम होता है, एक बार अगर इसको आपने सहन कर लिया, निकल गया, तो आगे मुझे नहीं लगता कि हर बार ऐसा होगा, तो इन चीज़ों से बचना जरूरी है। क्राइम रिपोर्ट में मेरे हिसाब से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह से गल्फ से रिलेटेड सही जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।